अभी देखें तो अशोक गहलोत अपने ट्विटर को लेकर ट्वीट को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। जनता को एक नया उन्होंने कॉन्टेस्ट जारी किया है कि हमारी योजनाओं को आप बताइए, आपको पैसे मिलेंगे, लाख रुपए, 50,000, 25,000, क्या मानते हो उसको? और बाद में बाहर आके सचिन पायलट जी ने बयान भी दिया कि हम सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे, पार्टी उनको जो जिम्मेवारी देगी उसको वो निभाएंगे। उन्होंने पहले भी कहा था, आज भी कर रहे हैं, कभी उनकी कोई डिमांड कभी नहीं रही कि मुझे पार्टी में ये जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। राजस्थान ही नहीं पूरे देश की हम बात कर रहे हैं तो पूरे देश में राहुल गांधी जी एक हमारे वो व्यक्ति हैं जो एक सबसे बड़ी बात उनकी सोच है कि देश को परिवर्तन की लहर में लेके जाना है और देश परिवर्तन की डगर पर आगे बढ़ चुका है, उसको दबाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उन पर उल्टे सीधे मुकदमा लगाए जा रहे हैं। पूरी बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल हो रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ ही नहीं रहे, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में जो गर्मा गर्मी चल रही थी सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर, वो अब शांत हो चुकी है। सचिन पायलट अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़े थे, उनकी बैठक हुई थी दिल्ली आलाकमान के साथ, वहाँ पर निर्णय लिया गया कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में फिर से अपनी सरकार रिपीट करवाएंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुरेश मिश्रा जी, जो कि पीसीसी मेंबर है और पहले जो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं पीसीसी के, तो इनसे बातचीत करेंगे और इनसे इनकी राय जानेंगे कि जो माहौल है अभी कांग्रेस पार्टी में, क्या मानना है, शांति हो गई है या ये कुछ देर की खामोशी वाली शांति है। सर, ये सचिन पायलट को लेकर कुछ बातें सामने आ रही है कि उनको कुछ पद दिया जा सकता है, या तो आईसीसी का महासचिव बनाया जा सकता है, चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो ये क्या खबर है? देखिए मनीष जी, आला कमान जो निर्णय लेंगे, हमारी पार्टी में एक सिस्टम है कि आला कमान जो कहते हैं सब लोग मानते हैं। सचिन पायलट जी ने पहले भी कहा था, बार बार ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, इसके लिए हम सबको मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। और उसी कड़ी में आला कमान ने भी बैठक आयोजित की थी, उस बैठक के अंदर सभी लोगों ने चर्चा करी, अपने अपने सुझाव दिए कि कैसे पार्टी को मजबूत करना चाहिए, कैसे चुनाव में उतरना चाहिए। 4 घंटे की मैराथन बैठक लगातार हुई और बाद में बाहर आके सचिन पायलट जी ने बयान भी दिया कि हम सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे, पार्टी उनको जो जिम्मेवारी देगी उसको वो निभाएंगे। उन्होंने पहले भी कहा था, आज भी कर रहे हैं, कभी उनकी कोई डिमांड कभी नहीं रही कि मुझे पार्टी में ये जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। वो पार्टी के हित में, राजस्थान के हित में, और चाहते हैं कि जो उनके उठाए हुए मुद्दे हैं उन पर वो अपनी बात में हमेशा कहते हैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे वहाँ पर निर्णय लिया गया था, खबरें आ रही है सूत्र के अनुसार, कि सीएम का चेहरा पहले घोषित नहीं किया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा, फिर विधायक दल की बैठक होगी और फिर विधायक तय करेंगे कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। देखिए मनीष जी, हर पार्टी का ये सिस्टम ये होता है कि आला कमान अपने लोगों को भेज करके राय लेते हैं कौन चुनाव जीता है, कौन क्या स्थिति है, उसके बाद सब निर्णय होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि सचिन पायलट जी युवाओं की हृदय की धड़कन के रूप में आज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में एक आइकॉन है, और वो अपनी बात कह चुके हैं पार्टी के मंच के ऊपर भी, बाहर भी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर एक ऐसी परंपरा बने, जो परंपरा बार बार बनी हुई है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। वो चाहते हैं कि राजस्थान में ये परंपरा टूटे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए वो भरसक प्रयास करेंगे, पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अभी देखें तो अशोक गहलोत अपने ट्विटर को लेकर ट्वीट को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। जनता को एक नया उन्होंने कॉन्टेस्ट जारी किया है कि हमारी योजनाओं को आप बताइए, आपको पैसे मिलेंगे, लाख रुपए, 50,000, 25,000, क्या मानते हो उसको? देखिए पार्टी जब चुनाव लड़के मूड में होती है तो अपने हिसाब से बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि राजस्थान में इस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, इस बार हम लोग निश्चित रूप से इस बार चुनाव जीतेंगे और सरकार कांग्रेस की बनेगी। वैसे कई पीसीसी मेंबर होते हैं, लेकिन इनके बारे में बता दूं कि सचिन पायलट के साथ काफ़ी बार देखे जाते हैं। यहाँ पे एक तस्वीर भी लगी हुई है, वहाँ पे सचिन पायलट के साथ वो नज़र आ रहे हैं दर्शन करते हुए मंदिर में। तो जो ये आपकी बात हुई लास्ट बार, कब हुई पायलट साहब से बात? पायलट साहब से बात होती रहती है लगातार मेरी, निश्चित रूप से वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि राजस्थान में सरकार रिपीट कराने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी पार्टी मिलकर सामूहिकता के साथ प्रयास करेगी और सरकार बनेगी। जो बीजेपी है, जो विपक्ष में है बीजेपी पार्टी, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और महिला सुरक्षा को मुद्दे को लेकर, पेपर लीक के मुद्दे पर हम कह रहे हैं उनको और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। देखिए जब वसुंधरा जी का राज था, सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार राजस्थान में हुए तो वसुंधरा जी के राज में हुई, महिला मुख्यमंत्री होते वो लोगों को बचा नहीं पाई। भ्रष्टाचार के जितने आरोप बीजेपी की सरकार में लगे हैं उतने कभी लगे नहीं राजस्थान के इतिहास के अंदर। ललित मोदी सबको याद है,
किस प्रकार से राजस्थान में भ्रष्टाचार का एक वो पर्याय बन चुका था, और वसुंधरा जी के राज में सारे मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कारण ही बीजेपी उस समय बुरी तरह चुनाव हारी, सारे मंत्री चुनाव हार गए। तो भ्रष्टाचार की बात करने वाली पार्टी को सोचना चाहिए, अपने गिरिबान में जाकर देखना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार के भ्रष्टाचार किए थे, उसका नतीजा क्या निकला। जनता ने पहले उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, फिर मुंह तोड़ जवाब देगी। राहुल गांधी को झटका लगा है कि उनका जो बयान आया था, पहले सर्वोच्च सेशन कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी और उनकी सजा रद्द कर दी थी, उसके बाद वो हाईकोर्ट में गए, उन्होंने खारिज कर दिए, तो क्या लगता है कुछ सिंपैथी मिलेगी उनको? देखिए मनीष जी, राजस्थान नहीं, पूरे देश की हम बात करें तो पूरे देश में राहुल गांधी जी एक हमारे वो व्यक्ति हैं जो एक सबसे बड़ी बात उनकी सोच है कि देश को परिवर्तन की लहर में लेके जाना है, और देश परिवर्तन की डगर पर आगे बढ़ चुका है, उसको दबाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उन पर उल्टे सीधे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनके लोकसभा से सदस्यता खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है, क्या क्या नहीं किया जा रहा है, इस व्यक्ति के साथ अत्याचार की एक मैं कहता हूँ इंतहा हो चुकी है, और वो भगवान भी देख रहा है कि किस प्रकार का अत्याचार बीजेपी वाले कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता भी देगी और कांग्रेस पार्टी भी देगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं बीकानेर में, वहाँ पे वो 2500 करोड़ रुपए की सौगात लोगों को पहुँचा रहे हैं, और एक ग्रीन फील्ड नाम से एक्सप्रेस और कर रहे हैं वो जामनगर से लेकर, तो क्या लगता है कि उनकी जो योजना है उससे लोग प्रभाव पढ़कर बीजेपी को फायदा होगा? देखिए बीजेपी ने पिछले 5 साल में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, राजस्थान में कोई डेवलपमेंट का विकास का काम नहीं किया, अब चुनाव नज़दीक आकर के देख रहे हैं तो लगातार 7-8 दौरे कर चुके हैं, लेकिन जनता सब समझती है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, जनता को सब समझ में आता है, पढ़ी लिखी जनता राजस्थान की है और जनता समझ रही है कि किस प्रकार से इन्होंने क्या मुद्दों पर आधार पर सरकार केंद्र की सरकार बनी थी, राज इन्होंने ना तो महंगाई की बात करते हैं, ना वो बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रदेश को देश को आगे बढ़ाया जाए, वो तो हिंदू मुस्लिम चुनाव करा के चुनाव जीतने की सोचते हैं बस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोचते। तो मेरा ये मानना है कि जनता समझ चुकी है इनके आडंबरों को, जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, और 15 लाख रुपये आने की बातें करते थे, कभी कहते थे कि नोटबंदी करके देश में काला धन खत्म कर देंगे, तो जो जो इन्होंने बातें करी कोई आज तक पूरी हुई नहीं। उदयपुर में अमित शाह का दौरा था, वहाँ पे राजे मौजूद थी, वहाँ पे जो राजेंद्र राठौड़ है उन्होंने बिना उनका नाम लिए अमित शाह को संबोधित करने के लिए बुला लिया, फिर अमित शाह ने उनका नाम आगे बोला कि ये आप चाहिए। मनीष जी पूरी बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल हो रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ ही नहीं रहे, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, और एक एक नहीं 15 से 20 उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के दावेदार मानते हैं अपने आप को, तो ऐसी पार्टी का तो भगवान ही भरोसे काम होने वाला है, इस पार्टी का भगवान भी ध्यान नहीं देगा क्योंकि ये तो खुद लड़ते रहते हैं। तो अब अशोक गहलोत सचिन पायलट में दोस्ती होगी? देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तो एकजुटता के साथ चुनाव में पूरा मन बना चुकी है, और सचिन पायलट जी ने भी कहा और कैसे वेणुगोपाल जी ने भी बयान दिया था कि हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, और कोई सीएम का फेस नहीं रहेगा, और जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद देखेंगे। तो अभी पहले कोई भी चर्चा नहीं होगी उसके बारे में? लगता है कि अभी तक के जो बातें आ रही सामने उससे लगता नहीं है। बयानबाजी रुक चुकी है, जो गहलोत खेमा है, पायलट खेमा है, कुछ बयान नहीं आ रहा है और ना ही कुछ हमला देखने को मिल रहा है, तो क्या ये मतलब अच्छी अनुशासन सीख गए कांग्रेस पार्टी राजस्थान? देखिए अनुशासन पहले भी था और आज भी है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है, और कोई बात अगर हमको गलत लगती है सही लगती है तो उसको बोलना भी चाहिए, इसमें किसी को बुराई भी नहीं माननी चाहिए। पार्टी एकजुटता के साथ में मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतरेगी और सरकार बनाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। कितनी सीट आ सकती है? 120 तो कम होनी नहीं चाहिए, कम से कम 120 कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता है, नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, बीते 4-5 दिन में वो सब आ चुके हैं यहाँ पे बड़े बड़े, वो सब आ जाए सब, उनके साथ में जनता साथ नहीं आएगी, लेकिन अब क्योंकि जिस प्रकार के झूठे उन्होंने लोगों को छलावे किए थे, तो केंद्र की सरकार के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला, राजस्थान में वसुंधरा के नाम पर पहले वोट लेके देख चुके, उसकी स्थिति क्या हुई सब जानते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। राजेंद्र गोड़ा देखे गए थे ओवैसी के साथ, वो व्यक्तिगत उनका क्या मामला था मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे को जानकारी है कब मिले थे वो। ट्विटर पे एक फोटो वायरल हुई थी उनकी। अच्छा हो सकता है मिले हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, क्योंकि जो AIMIM पार्टी है वो भी 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजस्थान में, जो वोट बैंक है वो क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इतना सा मालूम है कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और विधानसभा का चुनाव जीतेगी। तो ये हमारे साथ थे सुरेश मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और राजस्थान में 120 से ज़्यादा सीटें इनको आएगी बहुमत से ज़्यादा। तो अब देखना होता है राजस्थान में होता क्या है, जो शांति है वो देखी जा रही है, काफ़ी शांति देखी जा रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बड़े बड़े जो नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और सभी
राजस्थान पे फोकस बनाए हुए हैं, यहाँ पर उनका फोकस है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो जैसे उन्होंने कर्नाटक में हार मिल गई, हिमाचल में हार मिल गई, तो उनका पूरा जो फोकस है वो राजस्थान पर टिका हुआ है। अब देखते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे निकलते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।